मैंने मास्क लगाया हुआ है। ये कौन सा मास्क है? मैंने निधा यात्री को शो में ना देखा था, फिजाली बता रही थी कि वेट अ मिनट। हाँ जी, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, अभी चली जाएगी वो। मुझे उनसे शिकायत ये है कि अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के ऐसा कुछ बता रही हैं तो प्लीज़ पूरा बताएं कि इसकी स्मेल इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि आप खाया पिया सब जो है ना वो बाहर आ सकता है। इतनी अच्छी रेमेडी है ये, क्या बताऊँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह नाश्ता करते करते मैं देख रही थी कि यूट्यूब पर मैंने देखा फिज़ा अली जो हैं वो अपना एक बोटॉक्स फेस मास्क बता रही थी, और साथ ही उन्होंने बताया कि किसी और ने उनका यही वाला मास्क ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और उन्हें वॉमिट फील हो रही है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा सही बात कर रहा है, कि फिज़ा अली जो जिन्होंने फेस पैक बताया वो सही कह रही हैं या जिन्होंने उसको ट्राई किया है वो सही बात कर रही हैं। तो चलिए हम भी फेस पैक किचन में चलकर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई इसे वोमिट आती है या नहीं आती, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता किया है और मैं भी जो हूँ होम रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ। और अपनी होम रेमेडीज़ में मैं भी आपको एग योक और एग वाइट जो है उसी से रेमेडीज़ बनाना बताती हूँ। और जब भी मैं बताती हूँ रेमेडीज़ एग से या एग वाइट और एग योक से रिलेटेड, तो मैं उसमें कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड करती हूँ कि जो उसकी बसंत को या स्मेल को जो है वो ख़त्म कर दे। तो इन्होंने भी अच्छा बताया है, चलिए चल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स ऐड हुए हैं और उसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और उसका रिज़ल्ट तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि उसे वोमिट फील हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ये बोटॉक्स फेस मास्क जो है उसके लिए आपको लेना है एक बड़ा चम्मच राइस फ्लोर, कच्चा आटा यानी चावल का आटा। फिर आपने एक योक लेनी है, एक जर्दी लेनी है अंडे की, और एक भरकर ही चम्मच इसमें दही का ऐड करना है, और इसके साथ आधा लेमन जो है वो ऐड करना है। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक ज़बरदस्ती कंसिस्टेंसी वाला ये आपका मास्क रेडी है। तो फिर इसको लेकर चलते हैं अपने रूम में और इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये जो है कितना ज़बरदस्त है और कितना इसके अंदर बैड स्मेल है या नहीं है। तो फिर ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फेस पैक हमारा बन गया है, और सबसे पहले मैं आपको इसकी स्मेल करके बताती हूँ कि इसमें जो है वो बसंत या बू या इस तरह की कोई चीज़ है कि जिससे मेरा दिल ख़राब हो जाए और मैंने जो नाश्ता किया हुआ है उससे वॉमिट हो जाए। तो चले मैं देखती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा भर के सही सांस लिया, कोई ऐसी इसमें स्मेल नहीं है, क्योंकि इसमें लेमन है, योगर्ट है और राइस फ्लोर है, और ये कच्चा आटा जो है चावल का कच्चा आटा है, जिसकी वजह से जो है ना एग योक की स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो जिन्होंने कहा कि जी स्मेल आई है बहुत ज़्यादा और वोमिट हो रही है, शायद उन्होंने बॉयल राइस के साथ इसको ट्राई किया, तो शायद हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें स्मेल आई हो, बट इसकी कोई स्मेल नहीं है। अब मैं आपको इसको ट्राई करके भी बता देती हूँ। और ये जो है एक एंटी एजिंग और एंटी रिंकल जो है मास्क है। और इधर आओ, मुझे शर्ट पहन के आओ, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, फिज़ा अली ने बताया कि जो है इसको आपने 2 से 3 बार में ट्राई करना है, बार बार जब ये ड्राई हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ड्राई करना है, इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो वेट वेट सा ही रहना है, आपने बस इसको 15 मिनट लगाना है, और ये आपकी स्किन को नेचुरली जो है ग्लो देगा, क्योंकि आपको पता है होम रेमेडीज़ जो है उनका यही काम है कि वो आपके फेस पर नेचुरली ग्लो देती हैं। तो अब हम इसको फेस पैक को जो है, एक तो ये कि कोई स्मेल नहीं है, कोई भी कह लेना इतनी सी भी स्मेल जो है वो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप इसको जो है ये आईलेट्स के ऊपर भी लगा सकते हो, ये जो आपकी डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, और सेकंड ये कि एंटी रिंकल है, आपकी जो यहाँ पर झुरियाँ झुरियाँ सी इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो झुरियाँ पड़ जाती हैं उनको कंट्रोल करेगा और उनको आने से देर तक आने से रोकेगा, मतलब देर तक जो है आपकी स्किन पर झुरियाँ नहीं आएंगी, और ये जो आपके ये जो स्माइल लाइंस होती हैं उनके ऊपर भी आपने इसको ट्राई करना है। तो मैं अब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, अब मैं इसको दोबारा आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ, और इसके साथ मैं अपने बेटे के फेस पर भी आपको इसको ट्राई करके बताती हूँ, किसी किस्म का दिल नहीं ख़राब होगा, कोई वोमिट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, और इसका फाइनल लुक मैं आपको फिर दिखाती हूँ देख के बाद। और दूसरी बात, जो ये एंटी एजिंग फेस मास्क है या बोटॉक्स फेस मास्क है, तो आपने इसको ना इस तरह से बैठकर, ना इस तरह, ना इस तरह, कोई इस तरह का फेस का एंगल नहीं बनाना कि जिससे जो है आपकी
लाइंस जो है वो बन जाएं और वो फिर प्रोमिनेंट होती जाएंगी। इसलिए आपने इसको एक एंगल पर रख कर सुखाना है इस तरह से, जैसे अगर आप यूँ बैठ जाएं या यूँ बैठ जाएं, मतलब ऐसे नीचे मुँह नहीं करना कि लाइंस जो है वो बन जाएं। तो आपने इस तरह से इसको सुखाना है, सुखाना मतलब 15 मिनट के लिए आपने इसको फेस पर लगा कर रखना है और बिल्कुल ही ड्राई नहीं करना, ना ही इसको रबिंग करनी है आपने, बस इसको फेस पर लगा कर 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना है। तो मैं 15 मिनट के बाद आपको फेस वॉश करके भी दिखाती हूँ और दोबारा मैं आपको बता रही हूँ इससे कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका स्मेल है क्योंकि इसमें कच्चा आटा है और कच्चे आटे की बहुत ज़बरदस्त स्मेल होती है और फिर दही और लेमन ने जो है योग की जो बदबू है उसको बिल्कुल 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 ख़त्म कर दिया है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू जो मैं आपको बताना चाह रही थी सुबह सुबह, अचानक जब ये मेरे सामने वीडियो आई और फिर मुझे पता चला तो मैंने कहा कि चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसके फाइनल रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं ये फेस पैक जो है बेटे को लगा कर भी ट्राई करवा देती हूँ कि इसको किसी किस्म की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसकी हेल्प का शुक्रिया, ये सो रहा था बच्चा। स्मेल करो, कोई आ रही है बसैन वगैरह या इस तरह की वॉमिट वगैरह कोई फील हो रही है आपको? मुँह से तो बोलो। अच्छा चलो, अब हम इसको ट्राई करते हैं और आपने जो है ना 5 मिनट्स के बाद इसको वॉश कर लेना है, ठीक है? सही है, कुछ उल्टी सीधी फीलिंग है? चलो ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये हल्का हल्का से ड्राई हो गया है, अब इसको हम अब सेकंड कोट कर लेते हैं इसका। आप चाहे तो आप इसका 3-4 कोट्स कर सकते हैं और फिर आप इसको 15 मिनट के बाद वॉश कर देंगे। हाँ जी इरशाद, जो मैंने तुम्हें मास्क लगाया उससे कोई स्मेल वगैरह कोई बदबू टाइप कुछ आया था तुझे? कुछ भी नहीं बाजी, ऐसा कुछ भी, जो आपने मास्क लगाया था ना मुझे बिल्कुल भी कुछ उसकी स्मेल नहीं थी। चलें, थैंक यू। अरे हाँ जी, देखें इसका भी मुंह अच्छे से धुल गया है और मेरा भी धुल गया है और जो पोर श्रिंक हो गए थे अब उनको जो है आइसिंग से, ये है ग्रीन टी का आइस क्यूब, इसे हम इसको आई थिंक ग्रीन टी का है, नहीं सॉरी ये मैंने रोज़ वाटर रोज़ पेटल वाला जो बनाया था उसका है और बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है मैंने, कोई भी जो है ये कह लें कि किस इसकी साइड लें या उसकी साइड लें वाली बात नहीं है, आपके सामने है जो भी रिज़ल्ट है। तो जो है बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका और दूसरा ये कि इसकी कोई स्मेल नहीं है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लिया करें। और अगर आपके बहुत से ऐसे फेलोज़ हैं, बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जिनको एक्नी का इशू है या एंटी रिंकल मास्क ढूंढ रहे हैं तो फिर ये मास्क आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।